बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है। बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों मना है, ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है। शराबबंदी को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बिहार में बनी तो शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर शराबबंदी कानून बनाया गया था वो सफल नहीं हुआ है, इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मुजफ्फरपुर में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने बताया, दरअसल वीआईपी के आरटीसी पदाधिकारियों की आज एक बैठक मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित मैरीगोल्ड होटल में हुई। बैठक में वीआईपी की डिजिटल टीम को सशक्त करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और नई रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में अपराध जो है वो बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है और इसका तो जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरे घर में भी देखिएगा, मेरे जैसे परिवार के घर में हत्या हो जा रहा है, तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत खत्म हो चुका है, चरमरा गया, उसके ऊपर कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और जिसके लिए मुख्यमंत्री भी चिंतित है, अभी DGP साहब को बदले हैं, लेकिन इस पर ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है। सिर्फ चिंतित रहने से नहीं होगा, उसको अपनी क्षमता के तहत उनको काम करने की आवश्यकता है। और इस पे हम तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि दारू शराब का जो डिलीवरी करवाते हैं इससे दूर होइए और बिहार के बारे में सोचिए और ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाइए और इस पे काम कीजिए। इस पे सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। आने वाला समय में कुछ ही दिन है, सरकार बना के हम लोग इस पे मजबूती से काम करेंगे। सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून जो लागू है बिहार में, शराबबंदी फेल है, इसको कैसे देखेंगे? उस पे हम लोग समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पे जो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी किए हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज घर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है, तो इस उद्देश्य पूरा जब नहीं हुआ तो इसके ऊपर पूरा विचार करने की आवश्यकता है। और विचार हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो इस पर समीक्षा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जनता जो डिसीजन लेंगे उस सर्वे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे सरकार, राज्य सरकार का क्या हित है और हमारे जनता का क्या हित है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।